इस बात पे तो ये कहेंगे कि सुलेमान उस्मान मिठाई वाले जो है हमारे दादा हैं और हम लोग उनके पोतरे हैं, और इस बात पे ये कहेंगे कि उनको ये बोलना है कि हम उनकी ये शाखा उनकी नहीं है तो बिल्कुल सही है, ये सुलेमान उस्मान के पोतरे की शाखा है और सुलेमान उस्मान का नो ब्रांच है, अब्दुल गफूर सुलेमान उस्मान इंटरनेशनल है और इसके 6 आउटलेट है, 6 ब्रांच है, ठीक है। ये ब्रांचेस जो है इंडिया में 5 जगह पर है, बेंगलोर में है, पूना में 2 आउटलेट है, कुरला में एक आउटलेट है, भिवंडी में एक आउटलेट है और अपकमिंग इंडिया में 2-3 आउटलेट और है, और एक इंटरनेशनल आउटलेट है दुबई, बर दुबई के अंदर मीना बाज़ार में। तो इससे सुलेमान उस्मान का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सुलेमान उस्मान फैमिली से हमारा लेना देना है, सुलेमान उस्मान के हम पोतरे हैं और ये ब्रांड मैं चाहता हूँ अब्दुल गफूर सुलेमान उस्मान जो है ना, ये सुलेमान उस्मान के बेटे हैं अब्दुल गफूर, तो मैं सुलेमान उस्मान का पोतरा हूँ और ख़ास तौर पर ये ब्रांड को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है डिकेड पहले 10 साल पहले कि पब्लिक को मालूम पड़ जाए कि सुलेमान उस्मान के 9 बेटे थे जिसमें से एक बेटे जो अब्दुल गफूर है सुलेमान उस्मान के, उनके बेटे ने इस फर्म को आगे बढ़ाया है। सुलेमान उस्मान एक नेशनल ब्रांड है, अब्दुल गफूर सुलेमान उस्मान एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो उनका 9 ब्रांच लिखना जायज़ है उनके हिसाब से, और हमारे को तो ये बोलना है कि हमको 9 ब्रांच लिखने की ज़रूरत नहीं, हमारे खुद ही इतने आउटलेट है कि हम सुलेमान उस्मान से पहचाने जाते हैं क्योंकि हम लोग काफ़ी वक्त साथ में रहे हैं, फैमिली है, और अभी फैमिली डिस्प्यूट की वजह से हम लोग को कारोबार को अलग अलग कर लिए। अभी सुलेमान उस्मान के एक बेटे हैं उस्मान सुलेमान, जिसकी शॉप है माहिम में, उस्मान सुलेमान मिठाई वाला, वो 1964 में ओपन हुई है। एक शॉप है सुलेमान उस्मान के बेटे की मिस्टर लतीफ़ मिठाई वाले की, जो सुलेमान मिठाई वाले के नाम से, वो भी मोहम्मद अली रोड पर है, वो मीनार मस्जिद के नीचे ही है, वो 1989 में ओपन हुई है। और ये आउटलेट जो फॉर्म है अब्दुल गफूर सुलेमान उस्मान, ये 2012 में ओपन हुआ है, ये ब्रांड को 2012 में इंट्रोड्यूस किया है। तो सुलेमान उस्मान से इस आउटलेट का कुछ लेना देना नहीं है, सुलेमान उस्मान फैमिली से मेरा लेना देना है, मैं सुलेमान उस्मान का पोतरा हूँ और ये आउटलेट जो है सुलेमान उस्मान के पोतरे की आउटलेट है, सुलेमान उस्मान की आउटलेट नहीं। इस बात को बिल्कुल क्लियरिफाई कर दिया जाए क्योंकि सुलेमान उस्मान इसमें इसको मर्ज नहीं किया जाए, सुलेमान उस्मान एक अपनी चीज़ है और अब्दुल गफूर सुलेमान उस्मान एक अपना ब्रांड है। इस ब्रांड के अंदर सुलेमान उस्मान से ज़्यादा प्रोडक्ट है, ज़्यादा वेरियंट्स है, ज़्यादा वेराइटीज़ है। जो प्रोडक्ट हमारी दुकान पे मिलता है वो सुलेमान उस्मान में नहीं मिलता है। एलोवेरा का ड्राई फ्रूट हमारी दुकान पे मिलता है, हमने इसके लिए अवार्ड जीता है, स्पेशली मैं खुद ही इसके लिए गया हुआ था। एक मैंगो भी चीज़ है जिसके लिए हमने अवार्ड जीता है, एक ब्लैक पेपर चिली है जिसके लिए हमने अवार्ड जीता है, और ऐसा शुगर फ्री मिठाईज़ है और काफ़ी प्रोडक्ट्स है, वेरियंट्स है, वेराइटीज़ है जो सुलेमान उस्मान में आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ अब्दुल गफूर सुलेमान उस्मान के ब्रांड के नीचे ही आउटलेट में जहाँ पर जा पा रहे हैं वहाँ मिलेगी। मशहूर मिठाई हमारी एलोवेरा का ड्राई फ्रूट है, मलाई दूधी का हलवा है और मैंगो विथ चीज़ है, ब्लैक पेपर चिली की बर्फ़ी है। फ्राइडे के दिन हमारा स्पेशलिटी रहती है कोई भी फ्रूट की, फ्रेश फ्रूट की बर्फ़ी बनाते हैं हम लोग, और सैटरडे के दिन भी कोई भी फ्रेश फ्रूट की बर्फ़ी रहती है, डिपेंड करता है कस्टमर्स को क्या दिया जाए। और ब्राउनी की बर्फ़ी ये स्पेशलिटी हमारी आपको कोई दुकानों के आउटलेट्स पे नहीं मिलेंगे सिवाय अब्दुल गफूर सुलेमान उस्मान पे। और यहाँ पर हमारे यहाँ स्पेशल देसी घी के हलवे बनते हैं, आप देख सकते हैं पीछे, ये हलवे जो है प्योर देसी घी के अंदर बनते हैं और ये हलवा जो है हमारा दूसरे वेरिएंट्स के अंदर बनता है, ये फ्रेश आप बोलेंगे कि क्रश से बनता है और फ्रेश फ्रूट से बनता है, तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। जी आने वाले त्यौहार जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ मिलावटी और लोगों पर भरोसा जाता है जी। ऐसे में आप इसमें किस तरह से अपने पैर लगाएंगे? जी देखिए, दूध जो है हमारा तबेले से आता है, फ्रेश मिल्क आता है और ये जितना प्रोडक्ट है ये सिर्फ मिल्क में ही बनता है हमारे यहाँ पर। आप हमारा क्वालिटी चेक कभी भी कर सकते हो, ऑलरेडी हम क्वालिटी चेक में रहते हैं इस चीज़ के अंदर। और जहाँ तक मावे की बात है तो मावा हम लोग गाय का इस्तेमाल करते हैं, गाय के दूध का, जिसमें फैट बहुत लो होता है। और हमारे यहाँ आपको कोई भी प्रोडक्ट में 100% प्योरिटी है, यू कैन चेक इट एनी वेर यू वॉन्ट। और दूसरे लोग के ऐसा नहीं है कि हम कुछ बता रहे हैं और दे रहे कुछ है, ऐसा नहीं है, हम जो बता रहे हैं वही दे रहे हैं और डेली फ्रेश बनाते हैं, इतना बनाते हैं कि डेली कंज्यूम हो जाए आपको नेक्स्ट डे आके प्रोडक्ट। जैसा अभी एक मिसाल है कि आपको दूधी हलवा चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको दोपहर में 12 बजे ही आना पड़ेगा उसके लिए, आपको उससे पहले सुबह 9 बजे आओगे तो यू वोंट फाइंड इट, क्योंकि हम लोग डेली उसको फ्रेश ही बनाते हैं। स्पीड न्यूज़ भारत।